दिल्ली के गोड्डा के लिए नई ट्रेनिंग की शुरुआत की गई, जिसे गोड्डा के निवासी जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए काफी सुविधाजनक होने जा रहा। गोड्डा झारखंड राज्य में पड़ता है और यहाँ पर अभी तक दिल्ली से कोई ट्रेन नहीं आती थी। ये एक इकलौती ट्रेन है जो सीधा गोड्डा का पहुंचाएगी। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने अपने क्षेत्र में ट्रेन के पहुंचने पर खुशी जताई और कहा कि इस तरीके से कार्य प्रगति जारी रखने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। इसके अलावा सांसद मनोज तिवारी ने भी अपने क्षेत्र से होकर गुजरने वाली इस ट्रेन के चलने से काफी खुशी जताई है और कई लोग वहां जाने के लिए परेशान रहते थे, लेकिन अब इस ट्रेन से कहीं ना कहीं उनको सहूलियत होगा। आपको बता दें कि ये ट्रेन दिल्ली से 3:30 पर चलेगी और दूसरे दिन कोच का गोड्डा पहुंचेगी। इसके बाद ये ट्रेन वापसी दिल्ली के लिए चलेगी, जो लगातार इस रूट पर काम करेगा। इस समय मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं और यहां पर झारखंड के कोटा के लिए एक नई ट्रेन का आयोजन किया गया है, जिसको मुख्य रूप से वहां के सांसद निशिकांत दुबे और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ये ट्रेन विशेष रूप से दिल्ली में रहने वाले उन कोटा के निवासियों के लिए काफी सुविधाजनक होने वाली है, क्योंकि अभी तक वहां जाने के लिए कोई भी सीधी ट्रेन मौजूद नहीं थी। ये पहली ट्रेन होगी जो वहां पहुंचेगी। मैं परवेश शर्मा, देश दिल्ली। डायरेक्ट भाई हाथ पीछे करो यार, वो फोन नीचे कर। गोड्डा जाने वाली बस बस वही और दिल्ली से पहली बार जो जैन धर्म का बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल है संवेद शिखर जी, पार्श्वनाथ जी, वहाँ को कनेक्ट करने वाले गिरिडीह तक पहली बार एक ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। दिल्ली के सांसद के रूप में मैं खड़ा हूँ हमारे DRM महोदय की उपस्थिति में सभी अधिकारियों के, और जहाँ तक ट्रेन जा रही है गोड्डा, वहाँ के सांसद आदरणीय निशिकांत दुबे जी, हम लोगों ने ट्रेन का शुभारंभ किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जो ऐसे जगह जहाँ बड़े शहरों से कोई ट्रेन अभी इतने लंबे साल में चला ही नहीं, उसको भी आज जोड़ दिया है। इस खुशी के अवसर पे हम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और रेलवे का धन्यवाद करते हुए निशिकांत दुबे जी के प्रयास को मैं नमन करता हूँ। ये ट्रेन हमारा जो गांव है भभुआ रोड, सासाराम डियरी ऑन सोन, उसको भी कनेक्ट करने वाली, इस खुशी को आप समझ सकते हैं। मेरी तरफ से रेल मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई और मैं निशिकांत दुबे जी से निवेदन करूँगा कि वो आपसे बात करें। मनोज भाई के लिए या दिल्ली के लोगों के लिए शादी भाई आगे ये ट्रेन, क्योंकि ट्रेन तो उन्होंने हमेशा जीवन में देखा, लेकिन गोड्डा जहाँ ये ट्रेन जाएगी, आप समझिए आज़ादी के 75 साल बाद वहाँ लोगों ने रेल लाइन देखी। इसके पहले जो रेल लाइन था वो कोयला ढुलाई करता था, NTPC कहलगांव और फरक्का की। 2021 में पहली बार वहाँ रेल गई, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही गई, क्योंकि 2021 वही प्रधानमंत्री थे और उनके इनिशिएटिव से ही हुआ। आज ये 14वीं ट्रेन है जो कि गोड्डा जाएगी। गोड्डा जाने वाली दिल्ली से ये दूसरी ट्रेन है। पहली ट्रेन जो स्टार्ट किया हमने 2021 में वो हम सफ़र था और हम सफ़र के बाद ये दूसरी ट्रेन। लेकिन ये ट्रेन जहाँ जाएगी उसका एक बड़ा इतिहास है, जो माननीय मनोज तिवारी जी ने बताया। उसमें दूसरा चीज़ ये है कि देवघर, जहाँ 5 करोड़ लोग सालाना पूजा करने जाते हैं, वहाँ 7 दिन जो है दिल्ली आने के लिए ट्रेन नहीं थी, 6 दिन ट्रेन थी। और सारी ट्रेनें राजधानी भी है, दुरंतो भी है, पूर्वा भी है, सभी ट्रेनें। तो ये 7वीं ट्रेन है जो 7वें दिन जाएगी, बुधवार को वहाँ से आएगी, तो एक बड़ी खुशी की बात है। दूसरा, जब तक वो इलाका तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक कि दूसरे जगह पर ट्रेन नहीं जाएगी। तो आप समझें कि पूरे देश के जैन तीर्थालु को यदि दिल्ली से जाना है उनके पास कोई कनेक्टिविटी का साधन नहीं, तो ये कनेक्टिविटी का साधन है। और रिलीजियस टूरिज्म एक ऐसा है जो देश की इकोनॉमी को बढ़ाता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को जानकारी है और इसी कारण से उसके ऊपर है। तो ये सभी तीर्थ स्थलों को, बासुकीनाथ को जोड़ेगा, ये तारापीठ को जोड़ेगा, ये बाबा बैद्यनाथ देवघर को जोड़ेगा, ये आप समझें कि पारसनाथ को जोड़ेगा, ये कोडरमा जब जाएगा तो राजरप्पा को जोड़ेगा, इसके बाद ये गया जो पूरे दुनिया भर के हिंदू जाते हैं पिंडदान करने के लिए वहाँ जोड़ेगा, बनारस जाएगा तो स्वाभाविक है कि बाबा विश्वनाथ को जोड़ेगा, प्रयागराज जाएगा, अभी कुंभ होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों में मुझे लगता है कि ये सबसे उपयोगी ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण रेल मंत्री जी ने दिया है,
ये सौभाग्य है कि मैं मनोज तिवारी जी जो कि लगातार दिल्ली के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, यहाँ के लोग कैसे सुखी रहें, उनको साधन कैसे हो, हमने उनके साथ किया। और रेल जो पूरा मंत्रालय है ये उसके बधाई का पात्र है DRM साहब के नेतृत्व में पूरी टीम कि उन्होंने इतनी जल्दी पूजा के अवसर पर ही इस ट्रेन को चालू कर दिया। तो हम इन सबों के प्रति शुक्रगुजार हैं और आभारी हैं कि उन्होंने हमारे जैसे पिछड़े जगह के बारे में सोचा। सर